आओ बेटा बैठो जी। आओ बैठो। उफ बेब, क्या पागलों की तरह हंस रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है और वो आज ही तुमसे मिलना चाहते हैं। और जानती हो आपके पापा मुझसे मिलकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? लात मारकर मुझे अपने महल से बाहर निकाल देंगे। मेरे पापा कोई जंगली नहीं है, समझे? और तुम भी जंगली बनकर मेरे घर मत आ जाना। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर और ये चप्पल तो बिल्कुल ही नहीं, और मुंह पर ताला लगवा कर आना। और फिर बड़ी नरमी से पापा से मेरा हाथ मांगना। ए, क्यों क्यों मांगू मैं तुम्हें किसी से? अगर मैं चाहूँ उड़ा कर ले जा सकता हूँ। ए मिस्टर एरोगेंट, मैं कहीं उड़ने उड़ने वाली नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरे घर आकर बाकायदा मेरा हाथ मांग कर जाना पड़ेगा। और सुनो, मुझे बहुत देर हो रही है, ठीक वक्त पर आना, 5 बजे। बिल्कुल लेट मत होना, वरना पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। डोंट बी लेट, हां पापा नाराज हो जाएंगे। ओके बाय। और वक्त में आना वरना वक्त निकल जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। This is Dev. Dev, this is my father. अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा बैठो जी। आओ बैठो, यहाँ बैठो। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, देव बेचारी चलते चलते घिस गई। देव, थैंक्स अंजलि। दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, मुंह पर ताला लगा कर आऊं। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे आप, जो मैं हूं? वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी हूं जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत न खानदान, बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है, वही मांगने आया हूं। और अगर मैं ना दूं तो? तो छीन के ले जाऊंगा। हाँ? जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो, जिसे ना अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का। अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद, जो तुम्हें दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा। ये है इसकी औकात। आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए, किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप या मैं? ओह माय गॉड, गेट आउट। देव, आउट। तुम चलो। Get out! देव, out! चलो!
out of my house and out of my child's life. ये तूने क्या किया देव? तुम्हारा पाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि। तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं। क्यों? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी देव। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। वादा? हाँ तुम जाओ देव, तुम जाओ। वादा 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 करो अंजलि। मैं वादा करती हूँ मैं आऊंगी, तुम जाओ। गली गली तेरी लाज जली।